गाइज यार एक बार फिर से आपका भाई प्रहलाद हाजिर है आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा अकाउंट लेके जिसके अंदर टॉपअप बहुत ही कम हुआ है बट कलेक्शन बहुत ही जबरदस्त है। अरे बाबा! जी हाँ, आज फिर से मेरे पास है एक 71 लेवल का अकाउंट जिसके अंदर टॉपअप बहुत ही कम हुआ है बट कलेक्शन आप लोगों को फाड़ू फाड़ू देखने को मिल जाएगा। लाइक की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 14,000 लाइक कंप्लीट होने वाले हैं। अब यहाँ पे रैंक की बात करें तो बीआर रैंक के अंदर बंदे ने काफी अच्छा स्कोर कर रखा है एंड सीएस रैंक की बात करें तो सीएस रैंक के अंदर भी आप लोग देख पा रहे हो ऑलमोस्ट 37 स्टार कर रखे हैं और 8 सीजन से कंटिन्यू बंदा हीरोइक कर रहा है। ठीक है, वाओ ब्यूटीफुल। यहाँ पे 3 सीजन तो बंदे ने ग्रैंड मास्टर भी टच किया है। वाह क्या सीन है। पे बात करें बीआर रैंक की तो बीआर रैंक के अंदर भी बंदे ने एक सीजन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ग्रैंड मास्टर को टच किया है। तो कुल मिला के यहाँ पे इतना है कि बंदा खेलता बहुत जबरदस्त है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मैटर नहीं करता अकाउंट के अंदर पैसा कितना लगा है, मैटर नहीं करता, गेम प्ले मैटर करता है। गेम प्ले इज बेटर देन यू आर बेटर। कुछ भी आपका गेम प्ले अच्छा होना चाहिए और गेम प्ले के साथ कलेक्शन भी अच्छा हो सकता है बिना टॉप अप किए। Are you comedy me? ये आज मैं आप लोगों के सामने साबित करने वाला हूँ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इवो गन्स के अंदर आते हैं, देखते हैं कितनी इवो बंदे के पास मिलेगी। तो बंदे के पास एक भी इवो गन नहीं मिलेगी, एक यूएमपी है जो कि सबको फ्री के अंदर मिली थी। तो यहाँ पे बंदा टॉप अप नहीं करता है, आप लोगों ने देख लिया, मतलब एक भी इवो वेपन नहीं है। अब यहाँ पे गन्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो M4A1 के यहाँ पे बंदे के पास 6 स्किन है जो कि फ्री के स्किन है। एंड अभी AK-47 की बात करें तो AK-47 के भी बंदे के पास 5-6 स्किन है जो कि फ्री के है। M14 की बात करें ना तो M14 के 5 स्किन है जो कि फ्री की है। स्कार की बात करें तो स्कार के 4 स्किन है जो कि फ्री के स्किन है, सारे के सारे आप लोग देख ही पा रहे हो। अभी बात करें ग्रोजा के तो 3 स्किन है जिनमें से एक परमानेंट नहीं है, बाकी 2 परमानेंट है। फेमस की बात करें तो फेमस के भी बंदे के पास 4 स्किन है, चारों के चारों परमानेंट है एंड आप लोग देख लो यार फ्री के स्किन से। अभी बात करें यहां पे अक्समेट की तो अक्समेट की 3 स्किन है जिसमें से एक ये वाली स्किन जो आप लोग देख पा रहे हो ये वेपन रॉयल की स्किन है एंड मिल जाती है भाई लकीली बहुत बार वेपन रॉयल की स्किन। अपन जब वेपन रॉयल वाउचर से स्पिन करते हैं तो अपन लोगों को मिल जाती है भाई। मुंह की बात छील ली की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक ये वाली जो स्किन है ये शायद इसने लिए होंगे। कभी कभार हमको इधर से उधर से टोकन मिल जाते हैं, जब हम स्पिन करते हैं तो हमारा लक अच्छा होता है, हमको ब्लूप्रिंट मिल जाता है, देन हम निकाल लेते हैं। ऐसा तो बहुत बार सीन हुआ होगा आपके साथ भी। टॉप अप नहीं करने वाले बंदों के पास भी बहुत सारे बंदों के पास भी अवेलेबल रहती है। ठीक है, बात करें प्लाज्मा की तो प्लाज्मा का भी बंदे के पास एक स्किन है, एयूजी का भी एक स्किन है, परफाल का एयूजी के 2 स्किन है आई थिंक, यहाँ एयूजी के 2 स्किन है, परफाल का भी एक स्किन है, यहाँ पे किंग फिशर और यहाँ पे G36 का कोई भी स्किन नहीं है। अभी नीचे आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जो अपना अस्केस के यहाँ पे 4 स्किन देखने को मिल रहे हैं, अस्वीडी का कोई भी स्किन नहीं है, वुडपेकर के 2 स्किन देखने को मिल रहे हैं, AC-80 का एक स्किन देखने को मिल रहा है एंड बात करें यहाँ पे अपने मशीन गन की तो M249 के यहाँ पे 2 स्किन देखने को मिल रहे हैं, M60 के यहाँ पे 2 स्किन देखने को मिल रहे हैं, कोर्ट की यहाँ पे 2 स्किन देखने को मिल रहे हैं। असम जी के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे लेजेंड गन UMP की जहाँ पे बहुत सारी फ्री की स्किन UMP की देखने को मिल रही है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड बात करें MP5 की तो MP5 के भी काफी सारी स्किन देखने को मिल रही है, मतलब 4 स्किन MP5 के वो भी फ्री के है। शाबाश। VSS के यहाँ पे एक स्किन है, MP40 की बात करें तो सिर्फ एक स्किन है, P90 की बात करें तो यहाँ पे 3-4 स्किन देखने को मिल रही है और बाकी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो CJ50 का कोई स्किन नहीं है, थॉमसन का कोई स्किन नहीं है, वेक्टर का कोई स्किन नहीं है एंड मेक 10 का एक स्किन है। ठीक है, जो कि वेपन रॉयल से आई थिंक मिला होगा। एंड बात करें शॉटगन की तो शॉटगन के यहाँ पे 3-4 स्किन तीन स्किन देखने को मिलते हैं जिनमें से 2 परमानेंट है एंड एक 3 दिन के लिए। अभी बात करें अपने स्पास की तो स्पास के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं 5 स्किन, 5 के 5 परमानेंट एंड फ्री के स्किन है। M1887 का कोई भी स्किन नहीं है, अभी कोई टॉप अप नहीं करेगा, डायमंड नहीं होगा तो स्किन कहां से आएगी। सही पकड़े हैं। अभी बात करें MAG-7 की तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो MAG-7 का सिर्फ एक स्किन है और ये जो चार्जिंग वाली शॉटगन है इसका कोई भी स्किन है, स्नाइपर में AWM का कोई स्किन नहीं है, Kar-98 के यहाँ पे 2 स्किन देखने को मिल रहे हैं, AWM की बात करें तो 2 स्किन देखने को मिल रहे हैं एंड M24 की बात करें तो M24 का यहाँ पे एक भी स्किन नहीं है, ट्रीटमेंट स्नाइपर का कोई भी स्किन नहीं है, पिस्टोल आप लोग देख पा रहे हो पिस्टोल कैसे कैसे हैं, पिस्टोल के अंदर भी यहाँ पे नॉर्मल स्किन देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं मिल्ला वेपन की तो यहाँ पे पैन के 9 स्किन देखने को मिल रहे हैं जो कि आप लोग देख ही पा रहे हो, यहाँ पे प्रांग के भी यहाँ पे 6 स्किन देखने को मिल रहे हैं, बेट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 8 स्किन देखने को मिल रहे हैं, कटाना के यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 2 स्किन देखने को मिल रहे हैं, इस बर्चे का कोई भी स्किन नहीं है, चाकू का एक स्किन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी फ्रिस्ट की बात करें तो यहाँ पे फ्रिस्ट का कोई भी स्किन बंदे के पास नहीं है, ग्रेनेड की बात करें तो यहाँ पे 13 ग्रेनेड बंदे के पास देखने को मिल रहे हैं जो कि आप लोग देख ही पा रहे हो एंड बात करें यहाँ पे स्मोक ग्रेनेड की एक भी स्किन नहीं है, अभी तक मेरे ख्याल से आई भी नहीं होगी।
एंड बात करें गुलवोल की, तो गुलवोल के यहाँ पे चार स्किन देखने को मिल रहे हैं। एंड अदर्स के अंदर आए तो अदर्स के अंदर आप लोग देख ही पा रहे हो, ये जो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे अपन का जो वेपन कलेक्शन है वो खत्म हो गया। एंड मैं ये नहीं कहता कि ये अकाउंट पूरी तरह से नो टॉपअप अकाउंट है, इस अकाउंट के अंदर बहुत कम टॉपअप हुआ है। एंड आज के टाइम में बंदा टॉपअप करना लगभग छोड़ ही चुका, टॉपअप करता ही नहीं है। मेरी तरह मैं भी बिल्कुल टॉपअप छोड़ चुका हूँ, कम से कम मुझे टॉपअप किए हुए 8-9 महीने हो गए होंगे, मैंने टॉपअप करना बिल्कुल भी छोड़ रखा, बिल्कुल भी बंद कर रखा, मैं टॉपअप नहीं करता, गेम के अंदर पैसे नहीं लगाता, क्योंकि आप लोगों ने देखा अपना गेम सिक्योर नहीं है, अपना गेम प्ले स्टोर पे नहीं है, एप स्टोर पे नहीं है, अपना गेम सिक्योर नहीं है। तो बिना सिक्योर गेम के अंदर आपका पैसा लगाने से क्या फायदा है, तो पैसा मत लगाओ यार। अब यहां पे आते हैं अपना जो वॉलेट है, वॉलेट में वॉलेट का कलेक्शन आप लोगों को दिखा देता हूं। वॉलेट के अंदर भी आप लोगों को काफी कुछ अच्छा सा देखने को मिलेगा, लाइक ये वाला बंडल आप लोग देख पा रहे हो, काफी तगड़ा बंडल है, फ्री का बंडल आप लोग बोलो या एलाइट पास का बंडल बोलो, कुछ भी बोलो, बट काफी तगड़ा बंडल, ठीक है। कुल मिला के मैं यहां पे आप लोगों को अच्छे अच्छे बंडल्स दिखाऊंगा जो कि आप लोग यार फ्री के अंदर भी ले सकते हो, फ्री के अंदर भी ऐसी सारी चीजें मिलती रहती है यहां पे आप लोग देख पा रहे हो, और कतई जहर जहर वाले आइटम फ्री के अंदर भी यहां पे मिलते रहते हैं, ठीक है। एंड आप लोग सोचते हो कि सिर्फ भाई पैसा लगा के ही हम प्रो बन सकते हैं, तो आप लोग बहुत चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है, ज़्यादा गलत सोचते हो यार मेरे भाई, बहुत ज़्यादा गलत सोचते हो आप लोग। पैसा लगाने से आप प्रो प्लेयर नहीं बन सकते, आपका गेम प्ले अच्छा होना चाहिए लाइक इस भाई, ठीक है, इस भाई की तरह आप लोगों का गेम प्ले तगड़ा होना चाहिए। अगर आप लोगों का गेम प्ले अच्छा होगा तो भाई आप लोग अपने आप प्रो प्लेयर हो जाओगे, अपने आप आपको पूछने लगेंगे लोग, आपको जानने लगेंगे। एंड गेम प्ले अच्छा नहीं है, आप कितना भी पैसा लगा दो यार कुछ भी नहीं होने वाला है विदाउट गेम प्ले, आपको लोकेश गेमर की तरफ भर भर के पैसा लगाना होगा, करोड़ों पैसे गेम पे बर्बाद करने होंगे, तब जाके आपको कहीं कोई जानेगा, फिर भी आप लोगों की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। अब तो सर बोल दे, गेम प्ले अच्छा होगा तब वैल्यू होगी, बिना गेम प्ले के कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा यार। अगर आपका गेम प्ले अच्छा नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं है, ये समझ लेना। बाकी आप एक कलेक्शन देखो यार, बिना टॉपअप किए इतना अच्छा कलेक्शन बन सकता है, अगर बिना टॉपअप किए ये बंदा इतना तगड़ा कलेक्शन बना सकता है तो आप क्यों नहीं बना सकते, आप क्यों नहीं बना सकते, ये आप लोगों को सोचना चाहिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, आपको टॉपअप करने की जरूरत क्या है, आपको डायमंड क्यों चाहिए, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, वो आप लोगों को सोचना चाहिए। बस खेलो, एंजॉय करो, मजे करो, मैं आप लोगों को हर वीडियो के अंदर यही कहता हूँ। एंड आप लोगों को ज्ञान लगता होगा भाई बंदा ज्ञान पेल रहा है बस अपने व्यूज के लिए मजे ले रहा है, वो बात नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, जो बंदे टॉपअप नहीं कर रहे हैं, जो नो टॉपअप कम्युनिटी के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन बंदों को मोटिवेट कर रहा हूँ। लाइक यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कितने तगड़े यहाँ पे बंडल्स पड़े हैं, कितने तगड़े शर्ट्स पड़े हुए हैं, फिर भी आप लोग टॉपअप के पीछे भागते हो। गेम वाले फ्री के अंदर बहुत कुछ देते हैं, बट आप लोगों को टॉपअप करना है, आप लोगों को पैसे बर्बाद करने हैं। एंड आप लोग टॉपअप से कोई चीज़ खरीद लोगे ना तो फिर भी आप लोगों को वो अच्छी नहीं लगेगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बंडल्स पड़े हैं जो मैंने खरीदे हैं बट मैं पहनता ही नहीं हूँ यार कभी। आप ज़्यादा आइटम नहीं पहन पाओगे, ये आप लोग सोच लो, आप सिर्फ एक दो आइटम ही पहन पाओगे, आप बहुत सारे शर्ट्स बहुत सारे टी शर्ट्स कभी एक साथ नहीं पहन पाओगे। आप एक टाइम में सिर्फ एक ही ड्रेस पहन सकते हो, वो आप लोगों को दिमाग में घुसेड़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड जब तक ये दिमाग में नहीं घुसेड़ोगे तो भाई आपका ऐसे डायमंड वायमंड लगता रहेगा, पागलों की तरह उड़ाते रहोगे, तो ये समझ लो यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है टॉपअप वोपअप करने से। बाकी यहाँ पे आप लोग देखो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कितने अच्छे अच्छे पैंट शर्ट पड़े हुए बिना टॉपअप किए, बिना टॉपअप किए अगर इतना अच्छा कलेक्शन हो सकता है तो आई थिंक टॉपअप की कोई भी जरूरत नहीं है। वाह वाह वाह, क्या ही तगड़ा कलेक्शन मेरी जान, क्या ही तगड़ा कलेक्शन, हाँ मेरी जान क्या ही कलेक्शन है यार, क्या ही कलेक्शन है, क्या ही कलेक्शन है यार, कतई जहर वाला कलेक्शन आप लोग देख पा रहे हो, काफी तगड़ा कलेक्शन यहाँ पे बंदे ने मैनेज करके रखा है। शूज भी आप लोग देख पा रहे हो कितने तगड़े तगड़े शूज पड़े हुए हैं, काफी तगड़ा भाई, काफी हद तक काफी जबरदस्त कलेक्शन आप इसको बोल सकते हो बिना टॉपअप किए। इमोट्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे बंदे के पास 19 इमोट अवेलेबल है जो कि आप लोग देख पा रहे हो, तगड़े तगड़े इमोट्स भी यहाँ पे बंदे के पास अवेलेबल है। यहाँ पे एंट्री नहीं है, कोई भी एंट्री एनिमेशन वगैरह वगैरह नहीं है क्योंकि बंदा टॉपअप करता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कलेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 46 बैकपैक की स्किन्स अवेलेबल है जो कि ऐसे फ्री में इवेंट्स से मिली हुई है। एंड यहाँ पे सिर्फ आप लोग एक ही बैकपैक का स्किन रख पाओगे, ठीक है। 25 लूटबॉक्स की स्किन है यहाँ पे, 33 यहाँ पे अपना जो क्या बोलते हैं पैरासूट की स्किन है, एंड यहाँ पे स्काई विंग का एक स्किन है, एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो सपबोर्ड के काफी सारे 32 सपबोर्ड की स्किन पड़े हुए हैं। व्हीकल्स के अंदर आप लोग देख पा रहे हो गाड़ियों के कितने स्किन पड़े हुए हैं, बाइक के देख पा रहे हो कितने स्किन है, यहाँ पे आप लोग मोस्टर ट्रक के देख लो या पिकअप की स्किन देख लो, जीप की स्किन देख लो, ये जो वाटर वाली गाड़ी है इसकी कोई स्किन नहीं है, एंड टुक टुक की भी कोई स्किन नहीं है। तो बिना टॉपअप किए आप लोगों को इतना कुछ मिल रहा है, इतने सारे स्किन्स मिल रहे हैं, इतने सारे अवतार मिल रहे हैं, इतने सारे बैनर मिल रहे हैं, पेन की स्किन मिल रही है, बैट की स्किन मिल रही है, थैंक्स लव यू, कपड़े मिल रहे हैं, इमोट मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है, बिना टॉपअप किए मिल रहा है, कुछ भी वेस्ट करना नहीं है, मिल रहा है। तो आप लोग फालतू में डायमंड्स क्यों वेस्ट करते हो, डायमंड
तो वेस्ट करते ही करते हो, पैसा क्यों वेस्ट करते हो यार? डायमंड खरीदते हो तो उसके लिए पैसा लगता है, तो वो पैसा क्यों वेस्ट करते हो यार? मैं समझता नहीं हूँ कि आप लोग पैसा क्यों लगा देते हो गेम पे, आप लोगों को मिल क्या जाता है? अभी आप लोगों को ज्ञान लग रहा होगा, एंड लगे तो अच्छा है भाई, ज्ञान लगे तो ही अच्छा है, एंड इसको ज्ञान ही मानना कि भाई गेम के अंदर डायमंड वेस्ट करना या पैसा वेस्ट करना कहीं से भी सही नहीं है। मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा यार, फालतू में पैसा मत लगाओ गेम पे, एंड जितना हो सकता है अपनी मनी को सेव करो, कुछ अच्छी चीज़ के लिए लगाओ, कोई गरीब है उसकी मदद करो, ये सब करो, ठीक है? फालतू में गेम पे मत उतरो। बहुत सारे बंदे भूखे सोते हैं, फुटपाथ पे नंगे सोते हैं, उनको कपड़ा दो, उनको खाना दो, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, उनकी दुआएं मिलेगी। गेम पे कुछ नहीं मिलेगा, ये कल गेम बैन हो जाएगा, क्या पता है क्या हो जाए। तो इससे अच्छा है कि किसी की हेल्प करो यार, एंड बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कर सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। बाकी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार प्रहलाद आपसे मिलेगा दूसरे किसी मजेदार से वीडियो के साथ। तब दिल गुड डे, देन टेक केयर।